नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आज की यह भविष्यवाणी सही नहीं हुई या फिर सच नहीं हुआ तो दोस्तों मुंह मांगा जुर्माना देंगे। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम 100% यह दावा करते हैं कि वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो भी चीज आप चाहते हैं वे सभी चीजें आपके कदमों में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमने इस वीडियो में आपके जीवन की पूरी जानकारी दी है। वही दोस्तों बात करते हैं। शादी दोस्तों, भगवान शनिदेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्यों दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सभी का जो जीवन है भगवान शनिदेव की ही कृपा से चलता है। तो दोस्तों सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में। जय शनिदेव। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इनकी क्या वजह है, कि आपको कोई बुरी नज़र लग गई है या आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट हर चीज पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं और आपको भी बहुत ही गहरी तरीके से समझाने वाले हैं। जी दोस्तों, आप हमारे साथ बस अंत तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपके राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे जातक हमसे यही सवाल करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे पास पेशा क्यों नहीं आ रहा है, वह व्यवसाय बंद पड़ा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक परेशान हैं, तकलीफ में हैं और आप भी अगर परेशान हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आखिर कौन कौन सी गलतियां आपकी राशि के जातक कर रहे हैं जिस कारण आपको इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत ही कुशल और मंगल है, यानी कि ग्रहों की परिस्थिति इस दौरान आपका संपूर्ण साथ दे रहा है। इनका मतलब यह है कि ग्रहों की तरफ से आपकी राशि के जातकों के जीवन में कोई भी संकट या फिर कोई भी मुसीबत नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संकट जो आता है वह कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी आ सकता है और कुछ नसीब की भी बात हो सकती है। आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए चमत्कारिक समय साबित होगा, यह हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो दोस्तों आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। क्यों दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं दे रही है। और देखिए, अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर वह कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी आदत है जो हम कर रहे हैं जिनके कारण हमें बार बार घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारा पेशा फंस जाता है और कई बार ऐसा होता है कि अपने ही हमें धोखा देते हैं। यानी कि आपके राशि की जितने भी जातक हैं उनको अपने ही लोग धोखा देकर चले जाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा भी होता है, दुख भी होता है। और जाहिर सी बात है, कोई अगर गैर आपको धोखा दे दे तो उतना दुख नहीं मिलता है जितना दुख आपको अपने के धोखा देने से मिलते हैं, अपने के दुख देने से मिलते हैं। यानी कि ऐसा भी होता है कि प्रेम के मामले में आप लोगों को धोखा मिल रहा हो या फिर कोई अपना रिश्तेदार ही आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा भी आप लोगों के साथ होता होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी परेशानियाँ हैं और यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब आप ठान लेंगे और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान लेंगे, कोशिश करेंगे। और इनके लिए हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप
एक काबिल इंसान कैसे बनेंगे। आपका भाग्य ऊंचाइयों पर हो, आपका सितारा बुलंद हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली और मुख्य गलती बता दें जो कि आपकी राशि के अक्सर सभी जातक करते हैं, देखिए वह यह है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। यानी कि दोस्तों बहुत सारे आपकी राशि के ऐसे जातक हैं जिन्हें हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रोध बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध की मात्रा होती है, अहंकार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिनके कारण आप अपने परिवार में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने लगते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में दिन का सबसे अधिक समय अपने व्यापार, अपने काम, अपने नौकरी और परिवार आदि में बिताता है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लगभग पूरे दिन भर ज़्यादा समय अपने काम पर ही देते होंगे और व्यापार को देते होंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसे में जो मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, तो उनके मानसिक दिमाग पर बहुत ही असर पड़ता है। आंतरिक शांति उसको महसूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्रोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इस राशि के जातक अपना क्रोध सही जगह पर नहीं निकालते, यानी जिसकी वजह से क्रोध आता है, उसके सामने तो अपना आक्रोश जाहिर ही नहीं करते, बल्कि आप अपना क्रोध अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर, इन सब लोगों पर निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर यही वजह होती है जब परिवार में सभी लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलने लगते हैं, आपसे रूठ जाते हैं, आपसे आपके सभी आपसी रिश्तों में दूरियां बन जाती है। इसी के चलते घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसके लिए आपको हमेशा ही अपने घर में हंसी खुशी का सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना चाहिए, कि दोस्तों प्रसन्नता का जो वातावरण होता है वह कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में सहायक होता है। इसके अलावा देखिए आपकी राशि के जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि आप लोग सही से अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते, खुशी के दो पल अपने घर वालों के साथ नहीं बिता पाते। इसलिए आप ध्यान दें कि घर परिवार में फिजूल में अशब्द, फिजूल में क्रोध करना या फिर ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उन्हें अभी छोड़ दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए ये सब चीज़ अच्छा रहेगा, इससे परिवार का वातावरण बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका ज़्यादातर समय सभी परिवार वालों के साथ व्यतीत हो, उनके साथ ही समय बिताएं। इससे जो आपका मन है वह प्रसन्न होगा, आपको शांति मिलेगी। साथ ही देखिए जो आपकी दूसरी गलती होती है, पहले आप यह बात समझ लीजिएगा कि आपका जो मन है, कभी कभी ऐसा आपके साथ जरूर होता है कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में एकदम से आप आ जाते हैं। यानी कोई सामने वाला आपसे यह कहता है कि यह काम कर लो, तो आप फौरन तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके राशि के जातकों के साथ दूसरी तरफ से यह भी देखा गया है कि आपके अपने जो हैं, यानी कि आपके प्रेमी हो, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपका जो साथ देते हैं, और तब तक साथ देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे होते हैं, और जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो वह लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। यहाँ तक कि आपका प्रेमी भी अगर आप मुश्किल वक्त में खड़े हुए होते हैं तो वह भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरा दुख आपको यह मिलता है कि आप जिसे सच्चा प्रेम करते हैं वह आपको छोड़कर चला जाता है। यह सभी बातें आपके जीवनकाल में चलती रहती है, उथल पुथल आपके जीवन में होती रहती है।
गुस्सा भी आपको बहुत आता है। अपने प्रेमी पर भी आप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा कुछ देर बाद शांत भी हो जाता है और आप अपने दिल से बातों को भुला देते हैं। आप एक नरम दिल के इंसान हैं। आप कभी भी किसी को तकलीफ में, दुख में देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपको कोई अपना तकलीफ में होता है या फिर दुख में होता है तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और आधी रात में भी उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके लिए चल देते हैं। दोस्तों, वो कोई अपना हो या फिर आपका दोस्त हो या फिर कोई प्रेमी या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, आपको आवाज़ देता है कि मुझे परेशानी है या परेशानी है, समस्या है, तो आप आधी रात में भी उनके लिए तैयार हो जाते हैं, उठकर फौरन खड़े हो जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन देखा गया यह है कि जब आपका वक्त आता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आपको पेशों की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों आपका कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि आप जिसको पैसे देते हैं उससे वापस अगर पैसे मांगते हैं तो दोस्तों वे उल्टे सीधे जवाब भी आपको देते हैं, आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको सफलता पाने के लिए उन लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है जो आपके अपने हैं, अपने बनने का ढोंग करते हैं, अपने बनने का दिखावा करते हैं। और दोस्तों यह पहचान आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आपके मन में कोई नहीं डाल सकता है कि कौन आपके अपना है और कौन आपके पराया है। क्यों दोस्तों, जो लोग आपके साथ जैसा सलूक करते हैं आप उन्हीं चीज़ों से यह चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से लोग आपके अपने हैं और कौन से लोग आपके पराए हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन लोग आपको साथ देंगे और कौन से लोग आपको धोखा देंगे, दोस्तों उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। जी दोस्तों, हम तो यही कहेंगे उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्यों दोस्तों एक बार उसने अगर आपको धोखा दिया है तो दोस्तों आगे चलकर भी वह आपको पूरी ज़िंदगी भर धोखा ही देगा, आपको बर्बाद ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दबाकर ही वह रखेगा, यह बात आप ध्यान रखें। अगर आपने किसी की आर्थिक मदद की है और वह पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पैसा बहुत है और वह आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको भी यह करना चाहिए कि अगर उसकी ज़रूरत पड़े और आपके पास दोबारा से वो आए तो दोस्तों आप उनकी मदद ना करें। बात करते हैं यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अपना ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताएं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया है। आप ऐसा लोगों के साथ बिल्कुल भी भरोसा ना रखें जो आपके भरोसे के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह लोग कभी कभी समय आने पर धोखा दे जाते हैं जिसके कारण आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी पर जाने अनजाने में आप इतना भरोसा ना करें, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हर बार देखना आपको पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आगे हम प्रेम जीवन की बात करेंगे और नौकरी की भी बात करेंगे। नौकरी में कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपना सच्चा प्रेम को भी पा सकते हैं, दोस्तों इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हम आपकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं कि दोस्तों आपकी राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन काल में शब्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि शब्र बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही बातें आपकी राशि के जातकों में देखी जाती है या किसी भी चीज़ को रोकने में उनके बारे में पहले से ही सोचते नहीं हैं। हर चीज़ में, हर चीज़ को बस जल्दबाजी में कर जाते हैं। और दूसरी तरफ आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह कैसे होते हैं और जो बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं, दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातें आपके अंदर होती है और दोनों ही बातें आपके अंदर हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप सोच समझकर फैसले लेते हैं। हालांकि यह लोग सफलता भी प्राप्त करते हैं क्योंकि यह अपने मंजिल को अपने सपनों के सहारे देख लेते हैं। कई बार देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक कोई नया काम शुरू करते हैं तो इन लोगों के अंदर सफलता प्राप्त करने की
एक लालसा होती है, जो हालांकि अच्छी बात है, लेकिन देखिए आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि आप उसको एक ही दिन में या फिर चंद दिनों में ही पूरा कर लें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सब्र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हर काम में सब्र और शांति रखना, बुद्धिमानी से काम करना, उचित फैसले लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप लोगों को बता दें कि चाहे जो भी काम आप करें, जिस भी व्यापार में अपना समय लगा रहे हैं, तो दोस्तों उनमें थोड़ा सा सब्र आप ज़रूर रखिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी लापरवाही आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लापरवाही में जो भी आप निर्णय लेंगे दोस्तों, वो काम आगे चलकर आपका खराब हो सकता है। और दोस्तों देखिए, अगर किसी काम को करना आपने प्रारंभ किया है, तो जब उस कार्य में आपको मनचाही सफलता ना मिल जाए, तब तक उस काम को आप करना ना छोड़ो। भले ही आपको उस काम में कम लाभ शुरू में मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको जारी रखें कि दोस्तों उस काम में पूरी मेहनत और पूरी परिश्रम से जुड़ जाएं, जितना वह करने से पहले दिखाई देता है। तो इसलिए आपको थोड़ा संयम बनाकर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, सब्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों साथ ही हर कार्य में बुद्धिमानी का प्रयोग करना भी बेशक आवश्यक है। अगर आप इस राशि के जातक हैं, तो आप इन बातों को, इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि करते भी हैं तो जल्द से जल्द इनको सुधारने का प्रयास करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही है, वह दूर हो जाएंगी। एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे हमने आपको कहा था कि हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, प्रेम संबंध की, आपकी नौकरी या फिर आपके कौन सा बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए, या फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, घर में अगर क्लेश है तो क्या करें। इन सभी बातों के बारे में आगे हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। जब लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, तो यही दर्द एक दिन आपको बदल देता है। यानी कि दोस्तों, भरोसा तो कोई एक तोड़ता है, लेकिन नफरत जैसे सबके साथ होने लगती है। और कुछ लोग तो इतने जहरीले स्वभाव के होते हैं कि जिनके बोलने से पहले ही हमें यह पता होता है कि यह तो जहर ही उगलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि हम दूसरों के बजाय खुद को ही बदल सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को भी अपनी वजह से धोखा ना दें, किसी से कोई बदला ना लें, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब तो ऊपर वाला अपने तरीके से देता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो भगवान उसका जवाब जरूर देगा। इन लोगों के साथ कोई ना हो, लेकिन भगवान हमेशा साथ होता है। इस राशि के जातक के हमेशा साथ होता है। जो किसी के दबाव में होते हैं या किसी से चोट खाए हुए होते हैं, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, तो आपका वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप हमेशा के लिए क्यों पड़ जाते हैं, इनका क्या वजह है, क्यों आपका अकेलापन आपको, आपसे जो है सब कुछ छीन लेता है। जी दोस्तों, इसका असली कारण क्या है, हम आप सभी को बता दें कि समय जो होता है, वह कभी भी एक जैसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, समय की हमारे सब्र की प्रतीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो इंसान अपने फैसले और सब्र के साथ मुश्किल परिस्थितियों को पार कर जाता है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान होता है। तो देखिए, जीवन में एक ना एक दिन ऐसा समय जरूर ही आता है, जो सिर्फ एक ही दर्द आपको हर दर्द सहना सिखा देता है। यानी कि किसी भी चीज़ को करने का जज्बा या फिर टैलेंट तो ज़्यादातर लोगों में होता है, लेकिन हिम्मत जो होती है, वह बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है। और ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें हिम्मत बेहिसाब होती है। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में बहुत ही ज़्यादा यह हिम्मत देखने को मिलती है। जिस काम में आप हाथ लगा देते हैं दोस्तों, उन्हें करके ही छोड़ते हैं, चाहे वह कितना ही भारी क्यों ना हो,
कितना ही कठिन क्यों ना हो, आपकी राशि के जातक तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। इनमें देखा जाता है कि इनका मन ही इनका औजार होता है, यानी कि यह लोग जो भी करते हैं अपने मन के मुताबिक ही करते हैं। एक बात हमेशा ही आपको याद रखनी चाहिए कि आप अपने मन के मालिक बनना सीखें, उनका गुलाम नहीं। तो दूसरी बात आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी कोई भी गुप्त बातें या फिर कोई भी ऐसी राज की बातें किसी को भी ना बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो भी आपके सबसे बड़े राज हैं उन्हें आप खुद ही उजागर कर देते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, और जो आपके लिए नुकसानदायक होते ही होते हैं। जी दोस्तों, आप किसी दूसरे इंसान यह बात आप नहीं समझ पाते, आप किसी भी दूसरे इंसान की यह बात नहीं समझ पाते और इसी का फायदा वह दुश्मन उठा लेते हैं। जी दोस्तों, और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको धोखा मिल जाए, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या फिर आपका प्रेम जीवन हो, फिर बहुत आसानी से आप किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन हम आपसे बस यही बात कर रहे हैं कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, बल्कि आप पहले पहचानें कि कौन व्यक्ति कैसा है, तब उनके साथ कुछ भी करें, काम करें, बात करें। फिर भी कोई भी इंसान हो, चाहे वह आपका अपना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो, दोस्तों आपको चाहिए कि सबसे पहले उनको जानना है। जी दोस्तों, सामने वाला जो है वह इस लायक है भी या नहीं। साथ ही यह बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि आप भरोसे तो कर सकते हैं, लेकिन आंख मूंद कर इतना भरोसा किसी पर बिल्कुल ना करें। जी दोस्तों, सिर्फ उसी पर भरोसा करें जो आपके भरोसे के लायक हैं, जो उसको निभाना जानता है, क्योंकि आपकी हर किसी पर जल्दी भरोसा करने की आदत आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। जितना जल्दी हो सके आप इस बात को समझ लें। इसके अलावा देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पुराना चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जी दोस्तों, जीवन में भगवान हमेशा हमें दो ही चीज़ें प्राकृतिक माध्यम से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दी है, यानी कि इन दोनों के आंचल में छांव होते हैं और आप इनका हमेशा से ही सम्मान करना सीखें। खातिर और खतरनाक लोग पहले अपनापन दिखाते हैं और फिर जब आप उन पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो फिर यही लोग एक दिन अपनी औकात दिखा जाते हैं। जी दोस्तों, इस चीज़ में अक्सर बहुत देर हो जाती है कि जब झूठे लोगों की पहचान आप नहीं कर पाते। वैसे तो देखिए, आप इतने मिलनसार स्वभाव के होते हैं कि बहुत जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाते हैं और आपके दोस्तों की संख्या लकी कम होती है, लेकिन बहुत ही जल्द आपसे लोग आकर्षित हो जाते हैं। बहुत जल्दी ही आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है और आपके अकेलेपन का एहसास ही दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेना, उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेना, यानी जो आपकी दिल के बहुत ज़्यादा करीब है उनको आप अपनी बातें बताना बहुत अच्छा समझते हैं। हालांकि देखिए, यह तो ठीक है कि आप अपने किसी क्लोज या फिर किसी करीबी मित्र को बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, यानी कि जब जरूरत से ज़्यादा खींचे जाने पर वह धागा भी टूटना पक्का है। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी सख्त फैसले लेने पड़ जाते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल देते हैं, यानी कि जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे एक दिन कुदरत का डंडा ज़रूर सुधारता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको किसी भी परिस्थिति में खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बढ़ती हुई समझ जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है, इसलिए आपको हमेशा ऐसे मार्ग को ही अपनाना चाहिए। शांत रहकर हर चीज़ को समझकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर आपको किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर बनकर नहीं रहना है, क्योंकि कमज़ोरी ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अपने हालातों से कमज़ोर होता है उसका फ़ायदा हर कोई उठा जाता है, तो इसलिए इस बात पर हमेशा
गौर करना चाहिए। जी दोस्तों, और देखिए कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब किसी अपने को भी वह गैर कर जाता है। जी दोस्तों, यानी कि जिसको हम उम्र भर अपना समझते रहते हैं, दरअसल वह हमारा वहम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो बेकार की चीजों को, बेकार की बातों को दिल से लगाकर रखना छोड़ देना होगा। जी दोस्तों, दिल से इन चीजों को बिल्कुल भी आप ना लगाएं, सिर्फ अपने मन को सुनना शुरू करें। दूसरों की बेतुकी बातों को अनदेखा करना सीख ले, क्योंकि दोस्तों चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास भरा होता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी का रोना केवल उन्हीं के सामने रोएं जो आपकी आंसुओं का दर्द समझता है, आपकी कदर करता है, और रिश्ता भी उस इंसान के साथ रखें जो आपके रिश्तों का महत्व को समझता है। दोस्तों, एक इंसान की फितरत है ऐसी होती है जो वक्त पर खुद को बदल नहीं सकता, लेकिन इंसान को बदल देता है। लिबास बदलता है, रिश्ते या दोस्त भी सब बदल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदल पाता, यानी जख्म तो वहीं रहते हैं जो वह छुपा लेता है। क्योंकि एक समझदार इंसान अपने जख्मों का तमाशा कभी नहीं करता, और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं की समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। इन सभी बातों से पहले आपको खुद को ही समझाना होगा। यदि आप खुद को नहीं समझा पाए तो आप लोगों का कभी कोई सगा नहीं बन पाएगा, किसी से सच्चा रिश्ता बना ही नहीं पाएंगे। इस दुनिया में वही लोग हम कह सकते हैं कि सुकून से जी रहे हैं जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। उन लोगों का किसी बात की चिंता नहीं होती, और इसके साथ ही रिश्ते खराब होने का एक और वजह होती है कि लोग अक्सर टूटना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। आपको बता दें कि यदि आपके पास पेशा है तो पेशा ही आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पेशे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, आपको समय के साथ हर इंसान की कदर करनी चाहिए। जी दोस्तों, उसको वक्त पर प्रेम और विश्वास देना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको लोगों को पहचानना भी चाहिए जो कि हमने आपको बताया है। जी दोस्तों, कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी से चोट मिली है, तकलीफ किसी ने आपको दिया है, चाहे वह आपका प्रेमी ही हो, आपका कोई रिश्तेदार ही हो, आपका जीवन साथी ही हो, आप एक बात याद रखिएगा, दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। यदि आप यह समझेंगे कि आपका दिल तोड़कर सामने वाला खुश रह सकता है, नहीं, यह आपकी सोच गलत है। क्योंकि जो किसी का दिल दुखाता है, भगवान उसे भी आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर दिखाता है। वैसे में आपको यह बात ठान लेनी है कि अगर सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, दिल दुखाया है या फिर गाली भी दिया है, तो आपको चुपचाप सुनना है, उसका जवाब भगवान पर छोड़ देना है। अगर आप खामोश रहेंगे और आपके दिल की जो आवाज़ निकलेगी वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी, और भगवान उसकी सजा जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी का दिल जो है ना दुखे। जी दोस्तों, आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, तभी आप अपने जीवन में सुकून से जिंदगी को जी पाएंगे। एक अच्छे इंसान में यही सही बात है, उन्हें पढ़ने की भी आदत होती है, उन्हें सही बात करने की भी आदत होती है। जी दोस्तों, उनमें ये सभी चीज़ें अपने आप आ जाती है, एक अलग पहचान बनाने की आदत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यह बात को ध्यान में रखेंगे कि तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर तकलीफ को मुस्कुराकर देखना चाहिए या नहीं, मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार, सारा जहां सुंदर और खूबसूरत लगने लगता है। तो दोस्तों, केवल आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचें, जितना संभव हो उतना ही खुद को बदलने में सोचें। दूसरों पर जल्दी विश्वास करने की आदत को आप त्याग दें, और आपको कुछ ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपको खुश करते हैं, आपको जो फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही आपको दूसरों के वक्त और प्रेम की भी कदर करना सीख लेना चाहिए। यदि आप किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं और वह भी आपको महत्व देता है, ऐसे इंसान को आप अपने जीवन में कभी भी अलग ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, उनका पूरा साथ दें, क्योंकि
उनको आपके साथ की जरूरत है और आपको उनके साथ की। जी दोस्तों, इसलिए समय रहते आप ऐसे लोगों की कदर करें और ऐसे लोगों को पहचानें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपकी नौकरी की भी, आपके प्रेम जीवन की भी। आपको सफलता किस साल में मिलेगी, किस समय में मिलेगी, यह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई नया काम आपने शुरू किया है, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, वह सही सही नहीं चल पा रहा है। देखिए, आपको एक तो शनिवार के दिन शाम के समय, शनिवार के दिन आपको अकेश रुपये अपने जेब में से निकालने हैं, या फिर आप अपनी दुकान के गले से भी आप इन्हें निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इन अकेश रुपये को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को दान कर देना है। यह आपको हर शनिवार के दिन करना है और मंगलवार को दूसरा उपाय इसी के साथ आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दो उपाय आपको करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, मंगलवार को आपको किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है और शनिवार के दिन आपको अकेश रुपये का जो है दान गरीब में करना है, ज़रूरतों में करना है। यह दोनों उपाय एक ही साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को आपको करना और दोनों को आपको करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, 4 सप्ताह के बाद ही, या फिर कहें तो उससे पहले ही आपको अच्छे परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, जब आपका दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगे, जब आपका बिजनेस चलने लगे, तो दोस्तों आपको इस उपाय को जारी रखना है, क्योंकि दोस्तों इनसे आपकी जो तरक्की है वह मिलती ही चली जाएंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको नौकरी कहीं पर नहीं लग पा रही है, या फिर जो भी नौकरी है वो भी बंद पड़े हैं, तो दोस्तों आपको सूर्य के उपाय आपको करना चाहिए। सूर्य के उपाय करें रविवार के दिन, या फिर इसके अलावा आप काले कुत्ते को भी रोटी खिलाएं और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम किया करें। तो दोस्तों, ऐसा अगर आप करेंगे तो जल्दी ही आपकी नौकरी लग जाएगी। और दोस्तों, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें, तभी जाकर आपको जगह पर उनका जो है सफलता मिलेगा, उनका जो है परिणाम मिलेगा। देखिए दोस्तों, काली चिट्ठियां जो होती है वह खुशी का संकेत होती है, तो इसलिए दोस्तों काली चिट्ठियों को कभी भी अपने घर में आने से मत रुकिएगा, या फिर घर से आ गए हैं तो दोस्तों घर से उनको बिल्कुल भी आपको नहीं भगाना है। सारे दोस्तों, चिट्ठियों के लिए भी आप शुक्रवार के दिन आटा शक्कर जरूर डालें, यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। घर के छत पर पक्षियों के लिए अनाज पानी का इंतजाम करें, चिट्ठियों को आटा शक्कर आप जरूर डालें। साथ ही अगर काली चिट्ठी आपके घर में दिखाई देती है, तो दूसरा उपाय हम आपको बता दें, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपको गौ सेवा जरूर करना चाहिए। जी दोस्तों, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि भोजन आप जरूर करा दें। जी हाँ दोस्तों, और देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है, तो दोस्तों छोटे छोटे आटे की गोलियां बना लें। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, दो दिन आप छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें, इनसे दोस्तों जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य खराब चल रहा है, लंबे समय से आप बीमारियों से परेशान हैं, तो दोस्तों कोई भी परेशानी आपको ऐसी चल रही है, जो आप दवाई भी कर रहे हैं, डॉक्टर को भी आपने दिखा रखा है, लेकिन फिर भी वह बीमारी आपकी जो है पीछा नहीं छोड़ रही है, आपसे दूर नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, आपको एक काम करना है, रात को सोने से पहले 10 या फिर 20 रुपए जितना भी हो, उन पैसों को आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। और दोस्तों सुबह उठकर उस पैसे को अपने ऊपर से उतार कर, जो भी आपके लंबे समय से जो बीमारी चल रही है, उस परेशानी को बोलकर शनिदेव का नाम लेकर उन पैसों को किसी गरीब भिखारी को दान कर दें, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उन्हें दान कर दें। तो आए दोस्तों, उसके साथ बात करते हैं कि आपकी राशि के जातकों का जो भाग्य है कब चमकता है, किस उम्र में आपको सफलता मिलती है, कब आपका भाग्य का ताला खुलता है। तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को 27 वर्ष से लेकर 31 वर्ष तक, साथ ही उनके उपरांत 37 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक, उसके उपरांत 55 वर्ष तक आपको सफलता जरूर मिलती है। हमने जो समय आपको बताया, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मेहनत करने छोड़ दें या अपने कामों को करना ही छोड़ दें। हालांकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है उसी के हिसाब से हमने आपको उम्र बताई है कि कौन से वर्ष में आपकी किस्मत का जो है ताला खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के पूरे जीवन की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी को पसंद आया है।
तो दोस्तों जरूर इन्हें लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम सबसे पहले लेकर आ सकें। धन्यवाद। आपका दिन समय शुभ रहे।